ऑलराइट, सो वेलकम एवरीवन टू द 8th एपिसोड ऑफ गो डिजिटल सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं, जिससे एक स्क्रैच पे जो इंसान है जिसको नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में, वो इंसान अपना खुद का वर्चस्व कैसे बना सकता है, अपना खुद का एम्पायर कैसे क्रिएट कर सकता है, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं पहले के 7 एपिसोड के अंदर। ठीक है, हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे 11 प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिससे सोशल मीडिया पे आप अपना ब्रांड बना सकते हो। हमने ये सीखा कि आप अपना प्रोफाइल कैसे सेटअप करोगे। हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से आप अपना निश आइडेंटिफाई करोगे, वीडियोस कैसे क्रिएट करोगे, कंटेंट कहां से बनाओगे, वीडियोस जो क्रिएट करोगे उसको रैंक कैसे करवाना है, थंबनेल कैसे बनाना है, पोस्टर्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, हैशटैग्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं, जिससे आप एक ब्रांड बना लो अपना खुद का। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजें नहीं देखी हैं तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आगे की बात करने वाले हैं। तो पहले जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, पहले जाके एपिसोड 1 से मतलब सीक्वेंशियल तरीके से सीखना शुरू कर दो। स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, सब कुछ समझ आ जाएगा। ऑलराइट, इस वीडियो के अंदर, ये फाइनल वीडियो होने वाली है इस पूरी सीरीज की, लास्ट वीडियो होने वाली है, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस चीज के ऊपर, कि आप एक प्रॉपर पाइपलाइन कैसे बना लोगे प्रोस्पेक्ट्स का। मतलब आपके प्रोस्पेक्ट्स की कमी कभी नहीं होने वाली है, और मेन मोटिव भी तो यही है ना हमारा। अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं तो क्या मोटिव था हमारा, सबसे बड़ा पर्पस क्या था, कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स की कभी कमी ना हो। तो कुछ काम ऐसे भी करने हैं हमने जो कि सारे एक्सपर्ट्स करते हैं, इस इंडस्ट्री के सारे एक्सपर्ट्स करते हैं उस काम को। वो काम अगर आपने कर लिया तो आपकी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। साथ के साथ इसी वीडियो के अंदर बात करूंगा कि इन्वाइट कैसे करना है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर तो बात करूंगा, साथ में इन्विटेशन कैसे करनी है, इसके बाद हमें किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, वो सारी इस वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाली है। तो पहले शुरुआत करते हैं, क्या एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपको करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, सो दैट आप लोगों के कनेक्शंस में रहो, और लोगों से कभी आप देखो, इस इंडस्ट्री के अंदर ना लोग बिजनेस सिर्फ इस वजह से छोड़ते हैं कि उनके पास प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं होते, उनके पास लोग ही नहीं होते, वो किसको बताएं। तो हमारा काम यही है, हमने प्रोफाइल को तो सेटअप कर लिया, प्रोफाइल बहुत तगड़ा बना लिया अपना, साथ के साथ हमें अब लोगों तक पहुंचना है और बहुत सारे लोगों के साथ अपना नेटवर्क बड़ा करना है। राइट, तो पहला काम, पहला स्टेप जो आपको करना है, आपको बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्व होना है, बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ऐड करना है खुद को। ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप्स हो, आपको ग्रुप्स के अंदर जाना है। अब दो तरीके हैं ग्रुप्स, दो तरह के ग्रुप्स के अंदर आप जाओगे। एक, जो सिमिलर इंटरेस्ट के ग्रुप्स हों, जो आपके जैसा इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबीज है, उस तरह का कोई ग्रुप अगर है, और आपको हजारों ग्रुप्स मिलेंगे हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसी तरह के ग्रुप के अंदर जाओ, क्योंकि आपके जैसे लोग आपको वहां मिलेंगे और वहां पे बॉन्ड बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वहां पे तुरंत तुरंत बिजनेस पिच करना है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना है, आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को बड़ा करना है। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट को लेकर आना है अपने पास। बाद में हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहला क्या है, सिमिलर तरीके के जो इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स हैं उसके अंदर ऐड हो जाओ। दूसरा तरीका क्या है, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, जिस तरह के लोगों को आप लेके आना चाहते हो, इस तरह के ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाओ। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो सिमिलर क्या है, सिमिलर इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग, मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस। ठीक है, लेकिन शुरुआत के टाइम पे मैं अपने इस बिजनेस वाले निश के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया, ऑलरेडी अगर आप एपिसोड 1, 2, 3, 4 देखोगे आपको समझ आ जाएगा। उस टाइम पे मैं अपने बिजनेस वाले इंटरेस्ट के ग्रुप्स में नहीं गया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वही लोग होंगे जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स नहीं बन सकते। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, बिजनेस वाले ग्रुप के अंदर मैं हूं नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, उस ग्रुप के अंदर बाकी नेटवर्क मार्केटर्स भी होंगे। और आपको पता है, जब आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई होती ना, तो उस टाइम पे आप किसी से भी बात करोगे तो हर इंसान के लिए उसकी कंपनी सबसे अच्छी होती है, आपकी कंपनी आपके लिए अच्छी, उसकी कंपनी उसके लिए अच्छी, तो वहां पे बहस होने के चांस ज्यादा होते हैं, लड़ने भिड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। प्रोस्पेक्ट आप चाहोगे कि मैं इसको प्रोस्पेक्ट कर लूं, वो चाहेगा वो आपको प्रोस्पेक्ट कर ले। तो अच्छा है ऐसे ग्रुप्स को अवॉइड करो, सिमिलर इंटरेस्ट कुछ और ढूंढो। ठीक है, जैसे कि आप कुकिंग ढूंढ सकते हो, मैंने अपने टाइम पे सिंगिंग को चूज किया था, सिंगिंग को, डांस को, आर्ट को स्पेसिफिकली मैंने चूज किया, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट था, मैं लिखता भी हूं, लिरिसिस्ट भी हूं, आपने देखा है मैंने 2 गाने लॉन्च किए हैं। ठीक है, अभी तीसरा चौथा भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, January 1st के अंदर ही लॉन्च करूंगा। तो मैंने अपने इस पैशन को, सिमिलर इंटरेस्ट को चूज किया और बहुत सारे लोगों को वहां से ज्वाइन करवाया। तो सिमिलर इंटरेस्ट या फिर जिसके अंदर आप मान लो टारगेटेड ऑडियंस है आपका। अब मेरे को टारगेटेड ऑडियंस कौन से चाहिए थे, जो पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट रखते हो, जो सबकॉन्शियस माइंड में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि इस तरह के लोग थोड़े पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं, है ना, तो इनको ज्वाइन करवाना आसान हो जाता है। तो आप भी कुछ ऐसे ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, और साथ के साथ ग्रुप्स में एक्टिव रहोगे, जिंदा लाशों की तरह नहीं चाहिए, ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहना है। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं ग्रुप के अंदर जाने के बाद, तुरंत
हम वहां पे लीड जनरेशन के पोस्ट डालना शुरू करते हैं, यू वांट टू मेक मनी प्लीज ज्वाइन मी, यू वांट टू मेक दिस, ठीक है, आप इतना पैसा कमाना चाहते हो, वीकली इतना करना चाहते हो, मंथली इतना करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ नहीं, ये गलती मत करो, क्रॉस, बड़ा वाला क्रॉस। आपको क्या करना है, पहले 10-15 बार या 5-10 बार वैल्यू एडिशन के पोस्ट डालिए, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड वैल्यू एडिंग पोस्ट डालिए, एडमिन भी आपके साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक्टिव रहोगे ना, तो अमूमन ऐसा होता है कि बाकी सारे लोगों को लगने लगेगा कि ये ग्रुप आप ही ड्राइव कर रहे हो, ये ग्रुप आप ही चला रहे हो, और आपके पास ही उस ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आपके पास आएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, कोई छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन करते हो, आपको वहां पे मान लो आप 100-200 रुपए का कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, वहां पे भी आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है, वहां पे भी आप एक्टिव रहोगे ना, तो लोग अपने आप देखो दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं, सिंपल। तो ग्रुप में ऐड होना है और साथ के साथ आपको एक्टिव रहना है। मेन पर्पस क्या है कि हम लोगों के साथ कनेक्शन बनाए, अभी बिजनेस नहीं करना है, अभी सिर्फ ये काम है कि हम लोगों के बीच में थोड़े घुले मिले और नेटवर्क बिल्ड करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन और क्लोजिंग तक हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो मैं आपको पहले एपिसोड के अंदर ही बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को फॉलो करना है, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आपने अपना निश चूज किया ना, मैंने आपको बता दिया था निश कैसे आइडेंटिफाई करना है, अपने पैशन के अराउंड या फिर अपनी एक्सपर्टीज के अराउंड, तो जो भी आपने निश चूज किया है उसके एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, उनको आप फॉलो करो, और उनके फॉलोअर्स के साथ भी आप अपने कॉन्टैक्ट बिल्ड कर सकते हो, जो उनके फॉलोअर्स होंगे ना उनके साथ डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट बिल्ड कर सकते हो। कैसे, सिंपली आप एक टेक्स्ट करोगे ना, मैसेज करोगे कि हाय आई जस्ट सॉ यू फॉलो दिस पर्सन, यू फॉलो जो भी एक्स वाई जी जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, यू फॉलो हिम, ठीक है, आई ऑल्सो फॉलो हिम, सो आई जस्ट थॉट कि हम दोनों का इंटरेस्ट सिमिलर है, मिलता जुलता है। आप करते क्या हो वैसे, व्हाट डू यू डू बाय द वे, ठीक है, आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल एंड इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये मैंने अपने टाइम पे बहुत किया है, बहुत तगड़ा चलता है, आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल एंड रिकमेंडेशन एंड इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव, व्हाट डू यू डू बाय द वे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, व्हाट डू यू डू बाय द वे। अब हिंदी के अंदर भी आप कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर, जरूरी नहीं है अंग्रेजी में ही आप भेजेंगे मैसेज, जो उसको समझ आए, जो आपको बढ़िया, मतलब गलत इंग्लिश बोलने से अच्छा है सही हिंदी बोल लो, ठीक है ना। तो आप अपने तरीके से मैसेज करें कि अरे मैंने आपका एक्चुअली मैंने आपका प्रोफाइल अभी रिकमेंडेशन के अंदर देखा, क्योंकि हम दोनों इनको फॉलो करते हैं, तो रिकमेंडेशन के अंदर देखा, आई जस्ट विजिटेड योर प्रोफाइल एंड इट लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव, ये बहुत बढ़िया दिख रहा था यार, तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई थोड़ी सी कि आप करते क्या हो एक्चुअली, बात शुरू हो गई ना, यही जरूरी है, बात शुरू करनी है, बहुत सारे लोगों से बात करनी है हमें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग का हार्ट है वो है बात करने में, यू स्टॉप टॉकिंग यू स्टॉप मेकिंग मनी, आपको बात करते रहना लोगों से और चिपकना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को फॉलो किया, उनके कमेंट सेक्शन के अंदर भी कई बार आप देखोगे कन्वर्सेशंस चल रही होती हैं, वो कुछ पिक्चर डालेंगे, कुछ भी ऐसा डालेंगे ना, आप कमेंट खोलोगे तो कमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग कुछ सवाल पूछते हैं, आप वहां पे भी इन्वॉल्व हो सकते हो लोगों के साथ, आपके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे, लोग फिर बाद में आपके डीएम पे आएंगे, और डीएम पे आने के बाद आप उनको अपने व्हाट्सएप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, अपने प्राइवेट मैसेज के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो, अपने कॉल के ऊपर लेके आ सकते हो। आपका काम सिर्फ इतना है कि हर तरफ से आपको वैल्यू ऐड करनी है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। शुरुआत में जब तक आप अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाओ, तब तक कोशिश करना कंट्रोवर्सी से दूर रहो, ठीक है। एक बार आपके अंदर एकदम सॉलिडिटी आ गई ना कि आप अपनी बात को रख रहे हो, तो किसी को भी चुप करवा सकते हो, तो उसके बाद आपको कंट्रोवर्सी में जाना है, जहां मर्जी जाना है आप जाओ। शुरुआत में आप ध्यान रखो कि जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रेजेंट ना कर पाओ, थोड़ा दूर ही रहना इससे, सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है आपने, करेक्ट। इसके बाद तीसरा पॉइंट, आपको ऑर्गेनाइज करना है छोटा छोटा इवेंट, अगर आप कर सकते हो छोटे छोटे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करो, उसी निश से रिलेटेड, कुकिंग निश हो सकता है, बॉक्सिंग निश हो सकता है, मैंने पहले बहुत सारे निश आपको बता दिए, स्विमिंग हो सकता है, कुछ भी आपका जो निश है ना, उस निश से रिलेटेड या तो कुछ ऑर्गेनाइज करिए इवेंट्स को, या फिर उस इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो, या तो खुद ऑर्गेनाइज करो या कहीं ना कहीं उस निश से रिलेटेड इवेंट्स हो रहे होंगे, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो, आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आप कनेक्शंस बनाने शुरू कर दोगे 100%। अगर आपने अपने दिमाग में ठान लिया ना कि मुझे डेली सिर्फ 10 कॉन्टैक्ट्स को बिल्ड करना है, कितना, सिर्फ 10 नए कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना है, 10 नए लोगों से बात करना है, साल के एंड में 3,650 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, और अगर मैं कहता हूं उनमें से 300 लोगों को भी ज्वाइन कराने के आप काबिल हो गए, क्यों, वो भी आप हो जाओगे 100%। अगर आपको कॉन्टैक्ट, देखो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप क्या है, कॉन्टैक्ट लीड जनरेशन, दूसरा क्या है, प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा क्या है, इनविटेशन, चौथा क्या है, फॉलो अप, पांचवा क्या है, इनविटेशन के बाद प्रेजेंटेशन आता है, जो कि अब गायब हो गया है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, वेबिनार्स करते हैं हमारे मेंटर्स करते हैं, हमारे अपलाइंस करते हैं, या फिर रिकॉर्डेड वेबिनार चलता है या फिर वीडियो चलती है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन वर्ड को मैंने यूज नहीं किया। इनविटेशन के बाद आप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो अपने पर्सनल लेवल पे, अगर आप करने में सक्षम हो गए तो। इसके बाद फॉलो अप आ गया, उसके बाद क्लोजिंग आ गई, बात खत्म। तो एक एक स्टेप पे ना मास्टरी
हासिल करते चलो। पहला स्टेप लीड जनरेशन पे इतने तगड़े हो जाओ, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग पे हो जाएंगे कि किस तरह ये क्या ये क्वालिफाइड कस्टमर है, क्या ये क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट है मेरा, उसके बाद इन्विटेशन को मास्टर कर लेंगे और धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। पहले आपने क्या किया 3650 कॉन्टैक्ट्स बनाए, उसके बाद उन कॉन्टैक्ट्स को कन्वर्ट करने पे जब आप आओगे ना, पहले साल में मैं कहता हूं मिनिमम आपने 300 लोगों को कन्वर्ट कर लिया, कम नहीं है, बहुत बड़ा विशाल का बिजनेस हो जाएगा आपका। लेकिन आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे जो कि हर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट करता है। तीन पॉइंट्स मैंने बताया आपको, इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद दो मेजर पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। पहला, डेली पोस्टिंग को कभी मत रोकना, डेली पोस्ट करना है, डेली पोस्ट करना है। जो लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो लोग आपकी एक्टिविटी को देख रहे हैं कि क्या आप एक सीरियस प्लेयर हो। बार बार बोला है मैंने इस पूरी सीरीज में कि क्या आप एक सीरियस प्लेयर हो या फिर कभी किया कभी नहीं किया वाला सीन है, और लोग सीरियस लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो डोंट स्टॉप पोस्टिंग डेली ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, राइट। इसके बाद लास्ट चीज, आपको कई बार ना खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। आप वेट मत करो कि ये बंदा मुझसे खुद पूछेगा। एक इंसान ने आज से 1.5 साल पहले मुझे कॉल करके पूछा, ठीक है, जो मेरे टीम के अंदर एक बहुत बड़े लीडर है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उनका, आज के टाइम पे वो लीडर है, लेकिन पिछले 1.5 साल पहले जब कोरोना का लॉकडाउन आया था, वो मुझे फोन करके पूछा कि सर मेरे को ये बताओ, आप हमेशा बोलते हो कि मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है, मैग्नेट बनना है, बनना कैसे है, आप तो बन गए, आपने तो अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, ये कर लिया, आप तो मैग्नेट बन गए, बनना कैसे, हम कैसे बने। जवाब बड़ा सिंपल सा था कि सोने को भी आग से निकलना पड़ता है निखरने के लिए। अगर हीरा भी है ना, तो हीरे को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, कोयले को प्रेशर झेलना पड़ता है, तब जाके वो हीरे में कन्वर्ट होता है। तो च्युइंगम भी एकमात्र रास्ता है जिससे आप मैग्नेट बनोगे। शुरुआत में तो आपको चिपकना पड़ेगा दोस्त, शुरुआत में तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा कन्वर्सेशन। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग आपके पास आएंगे, अपने आप अप्रोच करेंगे कि भैया मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, बट शुरुआत में यू नीड टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। क्या जाता है यार, आप किसी के प्रोफाइल को देख के अप्रिशिएट कर दोगे, क्या जाएगा आपका? बहुत सारे तरीके हैं, मैं तो कई बार ये भी यूज करता हूं, एक्सक्यूज मी, अगर आपने देख लिया कि भाई ये दीनदयाल कॉलेज से है, मैंने वहां पे डाला एक्सक्यूज मी, छोड़ दो, चिपको मत, लंबे लंबे मैसेज मत भेजो, एक्सक्यूज मी, बात खत्म। अब रिप्लाई करेगा तो अगला मैसेज भेजूंगा। रिप्लाई उसने किया, आर यू फ्रॉम दीनदयाल कॉलेज? उसने बोला हाँ, हाँ बताओ आप, हाउ मे आई हेल्प यू। उसके बाद कुछ ना कुछ, अब मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, सारी चीजें कभी और बताऊंगा किसी के अंदर। आप अपना खुद का क्रिएटिव दिमाग चलाओ कि लोगों से बात इनिशिएट करना, और उसके बाद हमारा काम है कि हम उसको व्हाट्सएप पे, प्राइवेट मैसेज पे या कॉल के ऊपर लेके आए, ठीक है। और वो आएंगे तभी जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, अच्छी तभी होगी जब आप डेली पोस्ट करोगे। तो ये सब कुछ, ये पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को फॉलो करना है। अभी आपने एक बार अपने प्रोस्पेक्ट्स की पाइपलाइन बना ली, आपने अनलिमिटेड लोगों को प्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब अनलिमिटेड लोगों को अपने लिस्ट के अंदर एड ऑन करना शुरू कर दिया। अब हमारे तीन स्टेप्स बचते हैं। पहला स्टेप है प्रोस्पेक्ट कैसे करें, मतलब इसको ये कैसे पता लगे कि क्या ये हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है या नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे आपको एक लिंक मिलेगा अभी, ठीक है। इस लिंक पर टैप करोगे, एक वीडियो खुलेगी जिसके अंदर मैंने 5 जादुई सवाल बता रखे जिससे एक अनजान इंसान भी आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। उस वीडियो को आप देख लेना, 5 सवाल पूछने हैं बस, उसके अपने हिसाब से कर लो उसको मॉड्यूलेट। 3 भी पूछ सकते हो, 4 भी पूछ सकते हो, और कुछ और क्वेश्चन भी एड ऑन कर सकते हो। हर एक बड़ा लीडर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस बात को जानते हैं कि सिर्फ सही सवाल सही प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर सकता है, सही सवाल सही प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लें, पता लग जाएगा आपको कि प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, पता कैसे लगाना है कि सामने वाला हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है कि नहीं है। और एक बार वो वहां तक पहुंच गया, इसके बाद हमें क्या करना है, उसको इनवाइट करना है, इनवाइट करने के बाद उसको क्लोज करना है, मतलब फॉलो अप करना है, क्लोज करना है, सिंपल है ना। तो इनविटेशन के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट है जिसमें 3 वीडियोस हैं इनविटेशन के ऊपर। तीनों वीडियोस को देख लोगे, आपसे बड़ा इनवाइटर कोई नहीं होगा इस इंडस्ट्री के अंदर, सच बता रहा हूं। अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया और आपने समझ लिया कि कैसे कैसे इन्वाइट करना है, क्या स्टेप्स हैं, आपको कोई मतलब हाथ नहीं पकड़ पाएगा आपका, इस तरीके से वो कंटेंट डिजाइन करा है। 3 वीडियोस हैं, एक वीडियो पे तो मेरे ख्याल से 3 लाख से ज्यादा व्यूज भी हैं उसमें, तो वो जाके आप देखना, बहुत जबरदस्त कंटेंट है। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। इनवाइट कर लिया, प्रेजेंटेशन में बिठा दिया, वेबिनार के अंदर बिठा दिया, या फिर वीडियो भेज दी, वीडियो भेजने के बाद कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, वो कैसे हैंडल करना है। 3 प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सारे सवाल, जो जो सामने वाला पूछ सकता है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कन्विंस करना पड़ेगा क्या लोगों को, एवरी क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड इन दैट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पढ़िए, वहां पे आप टैप करना, आपको पूरी सीरीज दिख जाएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। अब ये यहीं तक हमारा पूरा जो गो डिजिटल सीरीज है ये खत्म होता है, सब कुछ सिखा चुका हूं इसके अंदर। अब अगर आपको चाहिए कि कुछ और टॉपिक पे भी मैं बात करूं, इसी मतलब डिजिटल मीडिया से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, अपना टॉपिक बताओ,
अगर कोई टॉपिक ऐसा हुआ जो कि बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है, मैं 100% उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं, मैं मनी साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाला हूं, पैसों की क्या साइकोलॉजी होती है मुझे बताना कितने लोग पसंद करेंगे अगर मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करूं। आप सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को देख के उसके दिमाग को पढ़ सकते हो, उसके बात करने के तरीके को, मतलब फोन पे भी हो तो उसकी आवाज को सुन के आप पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान चाहता क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और इससे कहीं गुना ज्यादा आपका जो बिजनेस है ना वो आसान हो जाएगा। तो कितने लोग इसके ऊपर चाहते हैं वीडियोस, आप जिस भी टॉपिक्स के ऊपर चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई सीरीज के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करना, पहली बार चैनल पे आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, आने वाले टाइम में जो भी बढ़िया वीडियोस आएंगी वो 100% आपसे मिस ना हो, ठीक है। एंड आई विल सी यू वेरी सून, टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।